तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपको भी किसी नई जगह पर जाकर पहली रात नींद नहीं आती। आप बहुत कोशिश करते हैं, करवटें बदलते हैं, बिस्तर की दिशा और खुद के सिर की दिशा भी बदल बदल कर सोने का प्रयास करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। अमूमन लोगों ने इस तकलीफ को महसूस किया है। हम रोजाना जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर तो लगते ही कुछ ही मिनटों में नींद आ जाती है, लेकिन अगर हम किसी रिश्तेदार के घर रात को ठहरे हैं या किसी काम से बाहर गए हैं और इस कारण से किसी होटल में रुकना पड़ रहा है तो वहाँ के बिस्तर पर हमें नींद नहीं आती। तमाम प्रयासों के बाद भी हम इस नए बिस्तर पर सो नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आम लोगों की समझ में इसके पीछे कम्फर्ट को दोषी माना गया है। लोग कहते हैं कि जिस बिस्तर पर सोने की हमें आदत होती है वैसा आराम हमें नए बिस्तर पर नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्यों? इसके पीछे उनका खुद का मस्तिष्क जिम्मेदार है जो उन्हें जगह बदलने पर सोने नहीं देता। जी हाँ, आपको ये जानकर सच में हैरानी हो रही होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस शोध के मुताबिक हमारे मस्तिष्क का आधार भाग हमें नई जगह पर आसानी से सोने की इजाजत नहीं देता। शोधकर्ताओं ने बताया कि ऐसा हमारे आधे दिमाग के ना सोने के कारण होता है। नई जगह पर जाने पर हमें नींद तो जरूर आ रही होती है, लेकिन जब तक हमारा आधा दिमाग सोता नहीं है तब तक हम केवल करवटें ही बदलते रहते हैं और खुद से लड़ते रहते हैं ताकि हम सो सकें। इस संबंध में उन्होंने छोटा सा उपाय भी करके देखा। जब कुछ कोशिशों के बाद लैब में मौजूद लोग किसी तरह से सो गए तब शोधकर्ताओं ने उनके दाएं कान के पास बीप की आवाज की, लेकिन उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। पर जब दोनों कान के पास ये आवाज की गई तो वे उठ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नींद में दायां दिमाग कम सक्रिय था जबकि बायां दिमाग काफी हद तक जाग रहा था। शोधकर्ताओं ने इस शोध के दौरान ही तो पता लगा लिया है कि हम नई जगह पर सो क्यों नहीं पाते, लेकिन सोने के लिए क्या किया जाए इसका पता लगाने के लिए वे और भी गहराई से नए शोध करेंगे।